रिसेंटली ग्रासे के साथ मिलके किस लोगों ने करोड़ों के वारे नारे किए, किस किस लोगों ने अल्टरनेट साइड के घोटाले किए हैं, किस किस लोगों ने नकली सनत के घोटाले किए, वो प्रांत को भी मालूम है, पुलिस वालों को भी मालूम है उनकी। हो सकता है अजीत भाटिया और कमलेश निगम के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है आपके साथ? उसके बाद मेरे को दूसरी बार SDO ऑफिस में मिला कमलेश निगम, उसने बोला कि मेरा आपके 9 मीटरों में 2 मीटर में मैं उसका पार्टनर हूँ, मेरे पैसे कमलेश निगम पार्टनर है मेरे दो। नीरज विनोद बुराणीज, स्पेसक्राफ्ट इंटीरियर्स, योर स्पेस अवर क्राफ्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल टीम, नो हिडन चार्जेस, लग्जरियस डिजाइंस। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, स्पेसक्राफ्ट इंटीरियर्स, योर स्पेस अवर क्राफ्ट। क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लोन रिक्वायरमेंट्स, आसान, कन्वीनियंट और एफर्टलेस। वी हैव टाइप्स विद ऑल मेजर बैंक्स एंड NBFCs। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस, डोर स्टेप लोन प्रोसेस। कॉल अस टुडे, क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी, 9011-28-00-00। आइए लेते हैं मुलाकात मोती दुसरिया जी के साथ। 2022 के टाइम पर मोती दुसरिया के ऊपर एक खोटी कंप्लेन हुई थी। वो कंप्लेनर जिन्होंने कंप्लेन हुई थी उनका नाम अजीत भाटिया, जिसको आज भू माफिया शहर में बोल रहे हैं। आइए आज मोती जी से पूछते हैं कि वो वाकया क्या था। सबसे पहले जेकी जी, थैंक यू, आप मेरे पास आए, मेरे कठिन समय में आप मेरे साथ खड़े हैं, दिल से धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से मैं शहरवासियों को ये बताना चाहूँगा कि 2022 जनवरी मंथ 29 जनवरी लगभग 1:15 बजे था दोपहर का, मैं अपने शॉप पे मेरे अंकल के साथ बातचीत कर रहा था। वो बैठे थे, आए थे, हम बात कर रहे थे। सडनली 5 DB वाले सादे वेश में और एक खाकी वेश में दुकान में घुसते हैं, बोलते हैं ये हटाओ, वो हटा, ये हटा। मैंने बोला भाई कहाँ से आए हो? बोलता देखता नहीं, हम तुम्हारे पास रेट डाला है। बोला भाई साहब कौन सा रेट डाला है? चलो पहला मुझे सर्च वारंट दिखाओ, समझ पत्र दो, कहाँ से आया? बोलते हैं सेंट्रल से साहब आया, दिखता नहीं तुमको? तब तक न मुझे उनके नाम मालूम थे, न मुझे क्या था, और उनमें से एक बंदा वो वीडियो शूटिंग कर रहा था पूरी। मैंने बोला भाई साहब पुलिस अधिकारी था वो, वो भी पुलिस अधिकारी था, DB में था। उसका नाम बाद में पता चला, महेश विठोबा बघाड़ था, और वो उसमें फरियादी बना वो केस में बाद में। तो मेरे को ज़बरदस्ती पहले आके दायन डाइवर्ट किया, माइंड अनबैलेंस किया, जोर जोर से चिल्लाए, मेरा माइंड डिस्टर्ब करके मेरे को बोला आप उल्टा घूम जाओ, उल्टा घूम जाओ। मेरे को उल्टा घुमा के मेरा प्लाई हटाने के लिए कहा गया, तो मैं उल्टा हो गया, हो जाएगा जस्टिफाई है कि मैं उल्टा हो गया, पीछे क्या होता है मुझे मालूम नहीं। सही है, उल्टा हो गया, मैंने एक प्लाई हटाया, दिखाया, देखो मैंने एक प्लाई हटा दिया। फिर बोलते ये भी हटा, जैसे ये हटाने लगा सारे बोलता है साहब इधर है, इधर है, इधर है। तो उनके हाथ में अचानक से कहाँ से वो चीज़ आ गई मुझे नहीं मालूम, वो भी वाइट कपड़े में, के वाइट प्लास्टिक में बंधी हुई थी। मैंने बोला ए क्या था वो? कुछ भी नहीं मालूम। मैंने बोला ए खोल रहे क्या है इसके अंदर? झूठे केस में फंसाने हैं हो नहीं तुम लोग, मेला मेरे को बताओ। तो मुझे तभी तक भी जस्टिफाई नहीं था कि ये लोग कौन है, पुलिस है सही में कौन है। उन्होंने खाली बोला था, न मुझे कोई लेटर दिया कि हम पुलिस स्टेशन जाएँ। तो मैंने बहुत चिल्लाने लगा जोर जोर से, मेरे को बताओ इसके अंदर क्या है, खोलो खोलो। तो कुछ भी खोला नहीं, उन्होंने मेरे को मारना शुरू किया, एक ने कॉलर दुकान भी आपको मारना चालू, हाँ मेरे दुकान भी उन्होंने मारना चालू किया, वो सब उनके वीडियो रिकॉर्डिंग में। और मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ मेरे को झूठे केस में फंसाने, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर है जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। आओ ना ताओ, मुझे एक पेंट से पकड़ रहा है, एक कॉलर से पकड़ रहा है, आतंकवादी के जैसा भाई आतंकवादी पकड़ा है कोई बड़ा, ऐसे घसीटते हुए लेके गए। मैं आखिर तक नहीं जा रहा था, आखिर तक उनसे चिल्ला रहा था कि क्या है खोलो बताओ इसके अंदर क्या है, मुझे कौन से झूठे केस में लेके जा रहे हो। कुछ भी नहीं बताया, सीधा DB रूम में बिठाया। DB रूम में जैसे ही लेके गए, आधे घंटे का बाद बोलते बता तुमने किधर से लाया। बोला अरे आप मेरे को दुकान से उठा के लाए हो भाई साहब, मुझे तो बताओ क्यों लाए हो और आपके पास क्या था वो, आप मुझे बताओ। कुछ भी नहीं बताया, वेट किया, बाहर किसी को जाके फ़ोन कर रहे थे भाई तुम्हारा आदमी लाए, ऐसा किस किस से उनकी बातचीत चालू हो गई थी फ़ोन पे, मैं इतना हल्के से सुन रहा था। और लैपटॉप था उनके पास जिसपे FIR ऑलरेडी रेडी पड़ी थी। अच्छा, हाँ लैपटॉप, ये मेरे को थोड़ा कानून का नॉलेज है और ये जो टाइपिंग है उसका भी अच्छा नॉलेज है, तो ये पूरा फॉर्मेट रेडी था उनका FIR का। तो उसमें मेरा खाली घर का नाम पूछ के, ये पूछ के
तीन घंटा दो घंटा जानबूझ के बिठा के फिर मेरा मेडिकल करा के मेरे को 5:30-6 लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? 6 मेरे वाइफ को कॉल किया गया कि तुम्हारे पति को अरेस्ट किया। उसके बाद 9:30 रात को आपको तब तक पता ना कि आपको कौन से कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया? नहीं ना, मुझे पता ही नहीं है किस कानून में मैं हूँ। आपको लॉकअप में डाला तभी आपको तभी नहीं पता था। रात को मुझे 9:30 पता चला जब हमारे शहर का ACP एक्स ACP मोतीचंद राठौर साहब आए थे वहाँ पे। तभी जब मोतीचंद राठौर साहब है उनका वो भी नाम मुझे नहीं पता था, पर वो ACP साहब है इतना मेरे को मालूम था। वो अंदर आए केबिन में थे कड़ साहब के पास, कड़ साहब वो बाजू बैठे थे और ये 5-6 उधर खड़े थे। तो मेरे को बुलाया, मेरे को बुला के बोलते लेके आ रहे उसको लॉकअप से। मेरे को लॉकअप से लेके आया, खड़े थे, बोला ए किधर से लाया बता। बोला क्या लाया साहब, मेरे को थोड़ी मालूम है, इनको पूछो। हाँ। ये मेरे को उठा के लाया दुकान से, क्या लाया पहला वो तो बता, कौन से केस में अंदर डाला है, कौन सा झूठा केस किया है। बोलता है आवाज़ बंद कर, तो खाली ये किसने कहा आप? ये कड़ साहब बोल रहा था, मधुकर कड़, मेरे को ऐसे दबा रहा था जोर से। बोला साहब मैंने 1 पहले कंप्लेंट किया था आपके डिपार्टमेंट में, आपकी पुलिस स्टेशन में, DCP साहब को, ACP साहब को, CP साहब को और आपको कि मेरे पे झूठा केस होने वाला है। हाँ। तो आप ये एप्लीकेशन रखो उस विषय में 20 दिसंबर के आसपास सावंत करके वहाँ पे है जो PI है, उन्होंने मुझे इसमें स्टेटमेंट भी लिया था कि भाई आप पे कुछ झूठा गुनाह होने वाला है तो हम ये अर्जी रिकॉर्ड पे रखते हैं। ये है, मैं बोला आप सावंत साहब को बुलाओ, उससे पूछ के लो। फिर सावंत साहब को बुला के पूछा, बोला हाँ साहब चाहिए हमारा कंप्लेंट ले लिया है, रिकॉर्ड पर ठेवले लिया चाची कंप्लेंट। बोला साहब और कोई सबूत चाहिए क्या? बोला मैं साहब मैं व्यापारी हूँ, मैंने आज तक किसी को झापड़ तक नहीं मारा है और मेरे खिलाफ़ एक इंची भी दाखिल नहीं है। ये मेरे को झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मेरा समाज में छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। इनके पीछे कौन हो सकता है? साहब देखो इनके पीछे नेचुरली जो मेरे से परेशान होंगे, और मैं काम क्या करता हूँ, आधा दिन अपना बिजनेस चलाता हूँ जिससे मेरा उधर घर का खर्चा चलाता हूँ, आधा दिन मैं एक्चुअली 2015 से एक प्रांत कार्यालय में चल रहे नकली सनद घोटाले को उजागर किया है जिसका पाठ पूरा आज तक कर रहा हूँ। जिसके जैसे ही मुझे टाइम मिलता है शॉप से फ्री टाइम में वो जाके गवर्नमेंट का फॉलोअप लेता हूँ। यानी आपने जैसे उजागर करने का कोशिश किया तो सभी भूमाफिया एक हो गए और आपने भी छलक गए। जाहिर सी बात है सर, जाहिर सी बात, मैं इसमें ना इसमें दो राय हो ही नहीं सकती है। इनमें से सब लोग जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने ये सब काम किए, जो मेरे फॉलोअप से परेशान हो रहे थे। अच्छा आपने ऐसे भी कहा था कि भाई इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व है, तो वो नाम आपने पुलिस को बताए हैं? सर सुनिए, अगर पुलिस चाहे ना तो मंदिर के बाहर चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है। यहाँ पर तो जमीनें चोरी हो जाती हैं तो इनको नहीं मालूम होगा कि बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है। तो जाहिर सी बात है ये उनका ढूंढने का मामला है, वो सर्च करें, वो तपास करें, ये पुलिस तपास का काम है। इसमें मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी ये उनका काम है, उनको हिंट तो मिला हुआ है। शहर में रिसेंटली ग्रासे के साथ मिलकर किस किस लोगों ने करोड़ों के वारे नारे किए, किस किस लोगों ने अल्टरनेट साइड के घोटाले किए, किस किस लोगों ने नकली सनद के घोटाले किए, वो प्रांत को भी मालूम है, पुलिस वालों के भी मालूम है। उनकी तक ज़मीनें लेके गए, पुलिस डिपार्टमेंट की ज़मीनें लेके गए, 4 की पुलिस की डिपार्टमेंट की ज़मीन लेके गए, बहुत सारी ज़मीनें वो लेके गए, पुलिस वालों की ज़मीन तक नहीं छोड़ी है। तो सरकारी ज़मीनों की बात क्या करेंगे सर हम? तो यानी कहीं ना कहीं इनके सामने गिरा से साहब इन्वॉल्व है। सर गिरा से पूरी तरह से शहर में बहुत सारे जो सनद दी गई गैर तरीके से उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उसने यहाँ तक शहर रिकॉर्ड इन्होंने प्राइवेट लोग बिठा के मेरी कंप्लेंट पे, मैंने गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया था यहाँ पे रिकॉर्ड बरोबर नहीं होने की वजह से यहाँ पे नकली माल डाला जाता है। वो जैसे ही मैंने कंप्लेंट की उसके बाद घरा से कि यहाँ पे बदली हुई, पहले ही आते उसने प्राइवेट लड़के लेके आया 20-25, उसने रिकॉर्ड रूम में लगाया। वो रिकॉर्ड रूम में जितनी नकली सनद मिली मैंने उसको RTI से मांगी थी, कितना नकली सनद मिला है, निका कितना पुरावा मिला है, मुझे नहीं दिया। पर उसका उसने झम के फायदा उठाया, झम के फायदा ऐसे उठाया जिस चीज़ की नकली सनद मिली, जिस चीज़ की बोगस डॉक्यूमेंट के में एंट्री घुसी हुई थी, उन सबको इसने तत्काल नोटिस दिए 200 से 250। उस नोटिसों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस नोटिसों में स्पष्ट लिखा गया है ही जमीन ही सनद आमचे कार्यालय तुम आपकी ज़मीन को दी हुई नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप अपना आके लिखा पुरावा सादर करो। तो उन्होंने कोई भी पुरावा सादर नहीं किया है। तो 31 दिसंबर 2013 का किसी एक अधिकारी ने लिख के दिया था कि ये साइन मेरी नहीं है, ये क्या वाक्य है? सर ये मामला ऐसा है कि मैंने 2012 में पहले मैंने एक केस निकाला जिस 2015 से मैं उसका पाठ पुरावा किया और 2017 में उसकी FIR हुई। इस दरमियान मुझे 10 सनदें नकली और मिली थी।
ऐसी 100 से 150 संगत है जिसकी मुझे जानकारी है पक्की, और अगर डिपार्टमेंट मुझे अंदर खुद सर्च करने दे इनका रिकॉर्ड तो मैं आपको और नकली संगत निकाल के दूंगा। ये बहुत बड़ा झकीरा है संगत का, ये संगतें नहीं है, छोटी मोटा काम है। इसमें बहुत सारे शहर के लोग, बड़े बड़े झूने भू माफिया इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने नकली संगत बना के प्रांत कार्यालय के जूने कर्मचारी जो वरिष्ठ लिपिक थे ईश्वरी पमनानी और पीआर घावकार को मैनेज करके रिकॉर्ड के अंदर घुसाए थे, जिसका जिनके ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी बहुत सारी चालू है, जिसका पाठ पूरा आज तक मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इस सब मामले में ऐसे अक्सर देखा गया कभी भी ऐसे ज्वलंत मुद्दा होता है तो राजनेता बीच में आते हैं, तो आपके विषय में किसी राजनेता ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की? सर, मुझे इस बात का दिल से दुख है, राजनेता जो छोड़ो, मुझे किसी सिंधी भाई ने भी सपोर्ट नहीं किया है मेरे साथ इस लड़ाई में, सिवा खुदा के सिवा कोई नहीं करा। और जहाँ वो कहाँ खड़ा रहता है, एक मिनट, जहाँ सच रहता है, जहाँ सच है वहाँ खुदा है, मैं खुदा के भरोसे पे चल रहा हूँ, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरे वाहेगुरु जी मेरे साथ हैं, उसके दम पे ये लड़ाई अकेले लड़ रहा हूँ। आपने शहर के आमदार को संपर्क करने की कोशिश नहीं की? सर, मैंने किसी को भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की, पर मेरे पास एक शहर के आमदार का लेटर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर है 14 मार्च 2022 का, जिसमें उन्होंने खुद ने ये जो नौसनत के मैटर मैंने उठाए थे, उन्होंने खुद कंप्लेंट की है गवर्नमेंट को, ए भाई ये इस पे आप फौजदारी गुना दाखिल कीजिए। किसके ऊपर गुना दाखिल करें? 9 केस, और 9 केस में अजीत पाटिया पूरी तरीके शामिल है, पूरी तरीके से 9 केस में अजीत पाटिया बेनिफिशरी है, और ये 9 केस का इसमें 3 सेक्रेटरी 3 कलेक्टर 3 प्रांतों ने रिपोर्ट भेजी है हाई लेवल पे मंत्रालय में, ये फ्रॉड है, भोगस है, फ्रॉड है, भोगस है। उसके बाद भी इन मैटरों को सीधा करके गया तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त पंकज देवरे उलालनगर के एक दलाल के माध्यम से और एक एडवोकेट के माध्यम से, उसके सामने बैकडेटेड पेपर हाजिर करके उन्होंने ऑर्डर की हैं इस मामलों में। मैं उसमें से एक आपको उदाहरण दिखाता हूँ, जैसे अजीत के नाम से ही ये उदाहरण है, एक उसका उसमें देखिए, आप देख सकते हैं पिटीशन नंबर 11/2017, जिसमें दयाल सिंह थारूमल, अजीत भाटिया और किशन लाहौरी का नाम नमूद है, जो ये भोगस 9 मैटरों में से एक ये भोगस सनत का मैटर है, जिसमें ये ओके करके गया है। वो ऑर्डर में वो पंकज देवरे सेटलमेंट कमिश्नर क्या लिखता है, आप ये सनत उनसे लियो, SDO को डायरेक्शन देता है रिकॉर्ड में डालो और झूठी सनद को ओके करके दो। उसके बाद सिटी सर्वे को बोलता है ये सनद को आप अपने सनद के आधार में प्रॉपर्टी कार्ड बना के लो, और इस सनद के आधार में म्यूनसिपाल्टी को डायरेक्शन देता है प्लान पास करके लो। नीचे पंकज देवरे की सही है, जो तत्कालीन सेटलमेंट कमिश्नर है। मुझे एक बात बताइए, उसके बाद मैंने सभी डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या ये ऑर्डर, ये जब भी प्रतिक्रिया चल रही थी पंकज देवरे सर के पास, क्या आपको बुलाया गया, आपको सुनावनी दी गई, आपने SDO को पूछा, आपने इसमें पैरावाइज रिप्लाई जमा किया, जो आपने इसमें पत्र व्यवहार किया, सिटी सर्वे को पूछा पत्र व्यवहार किया, म्यूनसिपाल्टी को पूछा पत्र व्यवहार किया, बोला हमसे हमारे पास कोई भी सुनावनी का नोटिस नहीं आया और हमने अपना इसमें कोई भी रोल अदा नहीं किया है, हमें डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया है कि आप इसमें ऐसा करो। तो उसके बाद मैं इसके पीछे लग गया, इसकी कंप्लेंट मैंने माने एकनाथ शिंदे साहब के पास की, जो हमारे शहर हमारे मुंबई के हमारे महाराष्ट्र के CM साहब हैं, और हमारे असीम गुप्ता साहब थे सेक्रेटरी साहब, उनके पास मैंने कंप्लेंट की। उसके बाद इसमें हमारा रिसेंटली मार्च महीने 2023 में 14 मार्च को हमारी सुनवाई रखी गई ये मैटर के साथ 9 मैटर और की। उसके बाद अभी इसमें जो हमारे आयुक्त साहब हैं, ये अपना महेंद्र कल्याणकर साहब कोंकण आयुक्त, उसको डायरेक्शन दी गई है ये 9 के 9 मैटर आप 33 में सुओ मोटो लेके इस पर आप कार्रवाई कीजिए। अभी वो कार्रवाई वहाँ पर प्रलंबित है, जैसे उसमें कुछ होगा मैं आपको फर्दर अपडेट देता हूँ। अभी जो आपके दुकान पे जो ये रिवॉल्वर प्लांट किया गया, जिन लोगों ने भी ये प्लान, जिन लोगों ने भी अजीत भाटिया या क्या नाम है बजाज, अशोक बजाज के बीच की जो कड़ी है, ये जो रिवॉल्वर कैसे आई उनको, इनको कैसे मिली, उन्होंने कैसे प्लांट किया, कैसे उन्होंने पुलिस, तो कहीं ना कहीं कड़ी क्या लगता है किसके ऊपर आपका डाउट जा रहा है कि कड़ी क्या हो सकती है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये पुलिस के तपास की बात है, पर जैसे ही मैं जेल से रिहा होकर आया, लॉकअप से रिहा होकर आया, मेरे को कमलेश निकम ने म्यूनसिपाल्टी के अंदर एक बार अप्रोच किया। क्या अप्रोच किया? अप्रोच किया, भाई अजीत भाटिया से आप मामला ख़त्म कीजिए, आगे लड़ाई मत कीजिए,
मैंने बोला भाई आपका क्या बात था, आप क्यों बीच में आ रहे हैं, आपको क्या करना है इसके। कमलेश निकम को आपने? कमलेश निकम को मैंने बोला, कमलेश निकम ने एक लाइन बोला, आप अजीत भाटिया से अपना सुलह कीजिए और मामला। मैंने बोला सर मेरा अजीत भाटिया से कोई भी व्यक्ति विशेष मामला नहीं है, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी लड़ाई नकली पेपर बनाने वालों के खिलाफ और जो कर्मचारी है शासकीय उन्होंने जो गलत लाभ प्रोसेस किया है उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, मेरी अजीत भाटिया के खिलाफ कोई व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है। क्या हो सकता है अजीत भाटिया और कमलेश निगम के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है आपके साथ? उसके बाद मेरे को दूसरी बार एसडीओ ऑफिस में मिला कमलेश निगम, उसने बोला कि मेरा आपके 2 मीटरों में मैं उसका पार्टनर हूँ, मेरे पैसे पार्टनर है, मेरे 2 मीटरों में पैसे लगे हुए हैं पर उसके मेरे पास पुरावा नहीं जो मैं आपको साबित कर सकूं कि उसने मेरे को ऐसा बोला, पर उसने मेरे को बोला आप जो मुझे दो भगवान का ग्रंथ मैं उस पर हाथ रख के बोलता हूं, वो मुझे 2 जगह अलग अलग जगह मिला है यूएमसी में और एसडीओ ऑफिस में, उधर भी एक ही बोलता है भाई यार तेरे को जो करना है 7 मीटर को छोड़ के कर, 2 मीटर में मैं उसका पार्टनर हूँ। कमलेश निगम स्पष्ट रूप से आपको क्या कि मैं पार्टनर अजीत भाटिया का, मेरे पैसे लगे हुए हैं उसके अंदर, पार्टनर ही हुआ, पैसे लगे तो पार्टनर हुआ। आप द रिकॉर्ड पार्टनर भी होते हैं ना, लोग बहुत सारे पैसे देखे, लेकिन पैसे तो दिए ना। हाँ, और बहुत सारी टाइम इनको मैंने कमलेश अमर फास्ट फूड में, यूएमसी में, मुल्ले साहब के इधर बहुत जगह पे इनको देखा हूँ कि आपस में रहते हैं, घूमते हैं, करते हैं। इसमें ये कड़ी हो सकता है, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता हूँ, पर ये जो मेरे अगर नहीं, एक मिनट रुकिए, मेरी जो गिरफ्तारी हुई, जो भी फंसाया गया, ये 9 मीटर को लेके हुआ है सब। हाँ। तो ये 9 मीटर में जो जो इफेक्टेड होएगा जरूर वो आगे आएगा, पीछे होगा, कड़ी बना होगा, जो भी बना होगा 9 मीटर में की वजह से हुआ है। 9 मीटर में 2 मीटर में कमलेश निगम पार्टनर भी है अजीत भाटिया का, जो आपको खुद अपने मुंह से। और एक बात बताइए, उसने ग्लूमर सुसाइड है अपना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, उसमें भी मैं उसका पार्टनर हूँ। अच्छा, उसने ऐसा कहा? हाँ, उसने ऐसा कहा। 3 हाँ ऐसे हुआ। हाँ दीदी, और किसी नेता ने आपको इस विषय में संपर्क करने का प्रयास किया? देखिए, आपका भी काफ़ी, आप व्यापारी हैं, तो किसी व्यापारी के तरफ से कोई ऐसे नेता या कुछ ऐसे कुछ लोगों ने आपको संपर्क करने का कोशिश किया? सर, अभी जस्ट आपके आने से आधा घंटा पहले माननीय दीपक सतलानी साहब, जो हमारे यूटीए के अध्यक्ष हैं, व्यापारी अध्यक्ष हैं, यूएसए के अध्यक्ष हैं, सॉरी, और लोगों को तकलीफ में अच्छी खासी मदद करते हैं, वो एक अभी आप मेरे पास आए थे आधा घंटा पहले, उन्होंने बोला सोनू भाई आपको कांग्रेचुलेशन है, आप अच्छा हक की लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी कोई मदद चाहिए तो हमें बताना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पर फिर भी हम कल पूरे बीजेपी का डेलीगेशन लेके हम डीसीपी साहब के पास जाने वाले हैं, इसमें जो आपकी जो कड़ी को छुपाया जा रहा है, जिस कड़ी ने उसमें मदद की है, हम उसको डीसीपी के सामने, डीसीपी साहब के सामने रखेंगे आपकी बात। कुमार अलानी साहब से भी हम इस बारे में विषय में पूछेंगे कि साहब इस विषय में आपने जो 9 केसेस के ऊपर आपने शिकायत की थी, इस विषय के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, उसके बारे में हम कुमार अलानी जी से भी एक बार संपर्क करेंगे। आपके माध्यम से माने हमारे आमदार हैं, जो लाडले आमदार हमारे कुमार अलानी साहब, एकदम साफ छवि वाले आदमी, जो हमारे शहर के लिए, हित के लिए काम करते हैं, और डेसिंग और दबंग बोलेंगे, ईमानदार एमएलए साहब बोलेंगे उसको, आमदार साहब बोलेंगे, मैं नम्र विनती करता हूँ, आमदार साहब आइए शहर में, हमारे साथ खड़े रहिए, हमारी तकलीफ में खड़े रहिए, जो गलत हो रहा है उसका आप हमें साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, आप जैसे नेता से हम यही उम्मीद करते हैं, आपके माध्यम से मैं उनको ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, मेरा संदेश आप उनको ज़रूर दीजिए, शायद उन्होंने लगता है मेरी न्यूज़ कहीं नहीं देखी है, अगर आप मेरा संदेश पहुँचाते, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हम आपको पहले से ही धन्यवाद कहना चाहेंगे। आगे भी मोती दूसरेजा जी से संपर्क करेंगे, टाइम छोटा होने के कारण काफ़ी बातें एक और एपिसोड करेंगे, उसमें लेके आएंगे, और ये जो लड़ाई है आप देखिए, हम हर टाइम कहते थे कि कमलेश निगम एक दलाल है, हमने हर टाइम कहा है, और कोई इसको मांडोले भाषा कहता है, आज ये भी नाम उजागर हुआ, वापस एक और बार कमलेश निगम का नाम आ रहा है इसके अंदर, कि कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ अजीत भाटिया के साथ में नज़र आ रही है, स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। और हमने कल एक सवाल उठाया था, वो सवाल में ऐसा था कि इस झूलेलाल मंदिर के अंदर एक टीवी हाउ हो गई, आज हमारी बात हुई बाबू लीलाराम जी के साथ में, वो क्या बात हुई वो हम आपको सुनाएंगे इसी एपिसोड में, उनकी रिकॉर्डिंग जो हमारी फ़ोन पे हमारी जो बात हुई बाबू लीलाराम जी के साथ में, उन्होंने क्या कहा इस विषय के ऊपर, वो पक्का देखिएगा। बाबू, कल हमने एक न्यूज़ दिखाई थी, हाँ, उसमें ऐसा था कि एक सवाल हमने दिया था, सवाल ऐसा था कि एक नंबर झूलेलाल मंदिर के परिसर में एक टीवी लगी हुई थी, वो अभी गायब है, तो ये क्या माजरा क्या है ये? अच्छा सुनिए ना,
वो टीवी सेवादार लोग लगाए थे, हमारे दो चार सेवादार मिलके लगाए थे। तो हाँ अभी वो लोग बोले कि उसको बड़ा कर लगाया गया, छोटा था हाँ तो 40 दिन में कम दिखता था उसके अंदर अच्छा प्रोग्राम। अच्छा तो अभी मेरे से पूछ के वो लोग उतार के ले गए हैं, हाँ अभी 2-4 दिन में बड़ा ला के लगा देंगे, उसने बोला है करके। भाऊ ऐसे होता है कि कोई भी मंदिर में अगर कोई चढ़ावा चढ़ाता है, हाँ चाहे हाँ वो कोई भी चीज हो, चाहे वो टीवी हो या कोई भी सामग्री हो, हाँ हाँ तो अगर उसको कुछ बदलना है तो हाँ पहले हाँ वो पहले बड़ी टीवी उनको लेके आनी थी, उसके बाद भी ये छोटी टीवी उनको निकालना था, क्योंकि वो जो टीवी जब चल रही थी बराबर हाँ मंदिर के अंदर, तो वहां के जो सेवादारी जो लोग आते थे दर्शन के लिए, वो उसका लाभ ले रहे थे। तो अभी बराबर टीवी, हाँ अभी वो नई टीवी तो उन्होंने लगाई नहीं अभी तक, ऐसे जानकारी मेरे पास भी है। हाँ लगा दे, मेरे को बाला बोलोगे 2-4 दिन में लगा देंगे बोला है। हाँ तो बाबू ऐसे होता है कि भेंट चढ़ी हुई चीज को उतार के वापस लेके जाना, ये कहां तक सही है? अभी ठीक है, अभी इनको मैं कुछ जासी मेरे से पूछा, मैं बोला बोले बड़े लगा देना, कभी वो तो है मेला लेकिन होता है चांद होता है तभी उसमें आदमी बैठ के देखेंगे, जब लोग भंडारा चलाते हैं या 40 दिन चलता है तो उसमें देखते हैं लोग। बाबू ये लेके कौन गया उतार के, जो आपसे जैसे जैसे आगे लेके, आपसे आपसे परमिशन हाँ लेके वो टीवी उतार के जो लेके गया बंदा, वो बंदा कौन है वो बंदा अभी नाम बताऊं क्या उसका मैं आपको? सर? आपसे तो परमिशन लेके गया बाबू जी, तो आपको तो नाम हाँ बताना चाहिए ना, उसमें क्या है? हाँ हेलो, हाँ वो बंटी है, हाँ बंटी? हाँ बंटी शुक्र है का सुखेजा। अच्छा हाँ वो लोगों ने ही टीवी लगाया था और मेरे को बोल के बोला हम बंदी कर देंगे, हम बोला ठीक है भाई अच्छा तो बराबर है। अभी उन्होंने बड़ी टीवी नहीं लगाई अभी तक, लेकिन वो जो जो टीवी लगी थी छोटी वाली वो घर लेके गए अपने, अपने साथ लेके, जो भी जी हाँ बराबर, ठीक है, और जल्दी वो उस पर नई टीवी लगाने का उन्होंने कहा है, ऐसा हाँ मेरे को बोला है 2-4 दिन में लगा देंगे पक्का। ठीक है। बहुत धन्यवाद आपसे बात करते हुए, चलिए थैंक यू सर, धन्यवाद, देखते रहिए फिर से वॉगिंग न्यूज चैनल।